हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट, पतंग प्रिजर्व करके कैसे रखें, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो पतंगें बाहर रहेंगी कमरे में, तो ऐसे सीलन सी लग जाएगी उस पर कागज़ की पतंगों में और वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने पूरा तरीका बताया कि कैसे पतंग को प्रिजर्व करके रखें। और अभी हमने वॉशिंग मशीन मंगवाई थी, ऑर्डर करी थी, वो आ भी चुकी है। तो उसके साथ एक कार्डबोर्ड का बड़ा सा बॉक्स आया हुआ है, तो सोचा उसमें रखते हैं पतंग बढ़िया से, और प्रिजर्व करने का तरीका बताते हैं कैसे, क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, किस तरीके से प्रिजर्व करना चाहिए। और अभी तो मैंने सारी पतंगें पन्नी में रखी हुई थी, तो अभी उनको निकाल के हम लोग उसमें डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं बॉक्स में, और बताएंगे आप लोगों को क्या क्या तरीका होता है प्रिजर्व करने का, कैसे क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ये देखिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा इतना बड़ा बॉक्स है, और ये थर्माकोल जो देख रहे हैं ना नीचे वाला, ये इसके साथ में चिपका हुआ है, और इसी के ऊपर हम पतंग रखेंगे। और ये बड़ी सी पॉलीथिन है, इसको हम लोग ऊपर से कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। और दिखाते हैं हम आप लोगों को क्या क्या तरीका है। और सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नीम की पत्तियों की, तो सबसे पहले नीम की सूखी पत्तियाँ लेकर आते हैं। तो गाइस, ये रही नीम की सूखी पत्तियाँ, और भी बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे जो है उसमें ये डालेंगे हम लोग तोड़ तोड़ के, इसमें से थोड़ी बहुत की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, तो इस तरीके से डाल देंगे। और फिर पतंग रखना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर, सबसे पहला ये काम करेंगे। और भी एक दो चीज़ें वो आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो नीम की पत्तियों को अच्छे से इसमें डाल देते हैं, तो इतनी काफ़ी है। अब इसके बाद पतंग रखना शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रही बड़ी पतंग, इसको कुछ इस तरीके से रख देंगे। और ये तो भारी पड़ी हुई थी, तो इसको भी अंदर कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी धूल पड़ गई। वैसे पन्नी को कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें धूल पड़ रही है, तो हम लोग इसके अंदर रख देंगे। और ये पौनी पतंगे हैं कुछ, इनको भी हम लोग अभी सेट करके बताएंगे पूरा आप लोगों को कैसे होगी। अब इसको करके देखते हैं किस तरीके से होगी, मतलब पूरा मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं, क्योंकि लंबा चौड़ा होना चाहिए डब्बे को। तो अब कैसे इसको इस तरीके से रख के देख लेते हैं एक बार इस तरीके से। और इसके बाद अब पतंगे रखना शुरू करते हैं, बाकी ये रख देते हैं और पन्नी की। और इसके बाद ये अद्दी साइज़ की रख के देखते हैं, आ जानी चाहिए। नहीं यार, नहीं आ पा रही है, अच्छे से नहीं आ पा रही है, मतलब अब पता नहीं क्या कर। इसको बाद में रख देंगे, इसको शायद बाद में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा पौनी पतंगों को। गाइस, ये रहा, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। इसके ऊपर हमने नीम की पत्ती का डाल दिया, और अब इसके ऊपर पतंगे रखना शुरू करते हैं अच्छे से। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमने पतंगे रख दिए, और हमने इसके बीच, मैंने क्या करा, इसके बीच में मतलब कुछ पतंग रखी मैंने 10-15, उसके ऊपर फिर नीम की पत्तियाँ डाल दी, ऐसे 10-15 कर करके पूरा अच्छे से मैंने रख दिया। और ये पौनी पतंगे भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। और नीचे तक है बहुत ज़्यादा मात्रा में पतंगे हैं मेरे पास, तो इसके अंदर रख दी, पूरी बॉक्स के अंदर भरा गया अच्छे से। और बड़ी वाली पतंग को भी देखते हैं कैसे अब रखेंगे। और पिछले साल की भी कुछ पतंगे हैं मेरे पास, उनको भी रखेंगे, वो भी अमृतसरी पतंगे हैं बड़ी साइज़ की, तो उसको भी देखते हैं रख के। तो गाइस, ये पतंगे अच्छे से जम चुकी हैं, देख सकते हैं। ये 3-4 पीस मेरे पास पड़े हुए थे अमृतसरी पतंग के, तो ये मैंने साइड में जमा दिए। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वाइट वाइट, ये नेपथिलीन बॉल्स हैं, इसको भी हमें 4 और रखना है। और बस एक और चीज़ थी, वो मेरे पास है नहीं, वो ओडोनिल, आपके पास हो तो आप लोग रख सकते हैं उसे, वो भी बढ़िया रहेगा, वरना ये दो चीज़ों से काम हो जाएगा हमारा। और अगर सूखी नीम की पत्तियाँ नहीं है, तो आप लोग जो घर में सूखी लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, और रख सकते हैं। और
ये भोपाल के इतने भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पतंग उड़ाएं 15 अगस्त पे ज़रूर से। और दिल्ली में ही उड़ती है, बाकी ज़्यादातर उड़ती नहीं है, और यहाँ पे तो भोपाल में संक्रांति पे भी नहीं उड़ती और 15 अगस्त पे भी नहीं उड़ती। इतने भी लोग भोपाल से देख रहे हैं, इस बार अच्छे से पतंगबाजी करेंगे। और मेरी पतंगें कब से बची हुई हैं आप लोगों को पता ही होगा, जैसे संक्रांति पे क्या हुआ था, कोरोना हो गया था तो हम लोग सोसाइटी की छत पे जा नहीं पाए थे, तो देखते हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से मैंने बड़ी सी एक पन्नी थी तो उसको मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया है बॉक्स को बंद करके। और दोस्तों कोरोना फैल रहा था, मतलब जब हम लोग संक्रांति पे थे, मेरे दूसरे घर में थे वो, सोसाइटी थी पूरी, तो वहाँ पे कुछ फ्लैट्स में कोरोना हो रखा था, इसलिए हम पतंग उड़ाने गए नहीं छत पर, और इस बार संक्रांति हमने मना ही नहीं, पतंग ऐसी चक्कर में बच चुकी इतनी सारी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, मैं मिलूँगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।